नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल भोपाल से आईवीएफ एक्सपर्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज मैं बात करने वाली हूँ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, पहले एक बार प्रेगनेंसी होने के बाद दोबारा प्रेगनेंसी ना हो पाना। सबसे कॉमन कारण है ट्यूब का ब्लॉक होना, स्पेशली ऐसे केसेस में जिनमें पहले ऑपरेशन हुआ हो या ऑपरेशन से डिलीवरी हुई हो, बच्चेदानी की परत की सफाई हुई हो जिसको कि हम डीएनसी बोलते हैं, या फिर डिलीवरी के बाद कोई इन्फेक्शन हुआ हो, इसको हम पता लगा सकते हैं एचएसजी नाम के टेस्ट के माध्यम से। दूसरा रीज़न है अंडों की संख्या कम हो जाना। ये अपने आप में जेनेटिकली कम हो सकती है या एज आपकी 32 साल से ऊपर हो गई है तो भी कम हो सकती है। इसको सोनोग्राफी और एक एएमएच करके ब्लड टेस्ट होता है उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। तीसरा रीज़न होता है गुणवत्ता यानी अंडों की क्वालिटी खराब हो जाना। यह एज रिलेटेड होता है मोस्टली और स्पेशली देखने के लिए मिलता है 35 या 37 साल से ऊपर की महिलाओं में। अनफॉर्चुनेटली इसको पता लगाने का कोई भी टेस्ट नहीं है। चौथा रीज़न होता है मोटापा या जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर है तो अपने आप में ये प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत कर सकता है। अदर रीज़न ऑफ इनफर्टिलिटी यानी बच्चेदानी की परत खराब होना, पति के शुक्राणु में प्रॉब्लम होना या बच्चेदानी में कोई ट्यूमर होना, ये इनफर्टिलिटी का रीज़न हो सकते हैं लेकिन थोड़े से अनकॉमन रीज़न है। अगर आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम है तो आज ही अपने कंसल्टेंट से बात करें।